गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट नंबर बेटा अपन ने चैप्टर 8th कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन इन मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, ये अपन ने किया। ठीक है, अब आज अपन जो है चैप्टर 9th स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब जो 8th चैप्टर था पादपों में खनिज पोषण, जिसमें 17 प्रकार के अपन ने एलिमेंट पढ़े थे, ठीक है, किस तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जाता है वो अपन ने टोटल मैकेनिज्म, हालांकि क्रियाविधि तो अपने सिलेबस में नहीं है, जो एलिमेंट थे उनके कार्य और उनके न्यूनता लक्षण, ये अपन ने कर लिए। आज अपन चैप्टर 9th स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम। ठीक है, ध्यान देना एंजाइम। अब इस एंजाइम चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो अपने सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान देना। इसके अंदर 4-5 टॉपिक अपने सिलेबस के अंदर है। एक तो है प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना या जिसको कहेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, एंजाइम की संरचना, एंजाइम की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ठीक है, थर्ड जो है वो ध्यान देना, थर्ड आपके मोड ऑफ एंजाइम एक्शन या एंजाइम क्रिया की विधि, एंजाइम क्रिया की विधि, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके बाद में आपके सिलेबस के अंदर है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, मतलब एंजाइमों की नामकरण पद्धति, एंजाइमों की नामकरण पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ठीक, इसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइमों का वर्गीकरण, एंजाइमों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है बेटा, तो ये जो है 5 टॉपिक अपन इस पार्ट के अंदर या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एंजाइम की प्रस्तावना कि वास्तव में एंजाइम क्या है। अब इसकी हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो हिस्ट्री ऐसे ही वैसे आपको ओरली बता देंगे। तो प्रस्तावना के अंदर बेटा एक महत्वपूर्ण बात रहती है डेफिनेशन, एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं उसकी प्रस्तावना के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ध्यान देना, डेफिनेशन की अगर बात करें तो एंजाइम जो है, देखो देखे प्रस्तावना सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर प्रस्तावना की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो देखे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो इसकी एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, देखो देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फंक्शन एज एज बायोकैटलिस्ट बायोकैटलिस्ट इन लिविंग सेल,
लिविंग लिविंग सेल्स आर कॉल्ड एंजाइम। क्या मतलब हो गया बेटा? कि प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में, जो जीवित कोशिकाओं, जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शन एज बायो कैटलिस्ट, मतलब जो एक प्रकार के सजीव कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ठीक है, और मतलब उसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, और जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उसको क्या कहेंगे? एंजाइम। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, एंजाइम के इंट्रोडक्शन के अंदर अपन को ये डेफिनेशन याद रखनी है। इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर और अपन बात कहें तो ध्यान देना, जो जैव सिस्टम होता है, बायो सिस्टम, उसके अस्तित्व के अंदर जो है असंख्य विशिष्ट है और जटिल क्रमबद्ध, मतलब बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के बायो कैटलिस्ट या जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है एक दूसरे पर निर्भर होती है, और जीवित कोशिका के भीतर जो है एक विशेष ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर जो है ये, अपन जैसे अगर अपन कहें कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से क्यों होता है, तो इस दरमियान बेटा ये जो एंजाइम भी होते हैं ना 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस पर ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें इस, तो कहने का मतलब अपनी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की जो डेली एक्टिविटीज होती है उनको, मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कम्प्लीट होने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूरी है ना, वो टेम्परेचर जो है 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो होता है, कहने का मतलब उस पर वो एंजाइम जो है वो क्रियाशील रहते हैं। अगर इससे कम है, इससे ज़्यादा है, तो एंजाइम जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी बॉडी। तो कहने का मतलब इस वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक रेगुलेट 37 डिग्री के आसपास सेल्सियस के आसपास बना रहता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में ये पदार्थ जो है बायो कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करते हैं, और साथ ही साथ जो है रासायनिक अभिक्रिया की दर को, जिस जो रिएक्टेंट्स की सक्रिय ऊर्जा को कम करके बढ़ा देते हैं, ये मैं बताऊंगा आगे सक्रिय एनर्जी वगैरह क्या होती है, मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे अपन, ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर आता है बेटा। कोशिकाओं में कुछ उपापचयी जो क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है, जिसमें किस नए पदार्थ बनते हैं, कुछ पदार्थ टूटते हैं, तो कहने का मतलब मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, ये मतलब सभी जो प्रक्रियाएँ जो होती है, मतलब इसके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम क्रियाशील रहते हैं। तो कुल मिलाकर के इंट्रोडक्शन के अंदर अपन को ये डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा, क्या है? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, मतलब एक बायोकैटलिस्ट है जो लिविंग सेल के अंदर क्या है कार्य करते हैं, और मतलब विभिन्न प्रकार की, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन कहूँ, मतलब मैं कहूँ तो भोजन के डाइजेशन के अंदर है, और भी कई क्रियाकलाप के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले। ठीक है बेटा, अब जैसे एंजाइमों के इतिहास तो चूँकि अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले जैसे पहचान जो की थी एंजाइम की कैटलिस्ट के रूप में, वो बर्जीलियस से, ठीक है, और एक एडवर्ड बुकनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम जो यीस्ट जो है, यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है, उनकी कोशिकाओं से एक एंजाइम सबसे पहले सेपरेट किया था, जिसका नाम था जाइमेज। चूँकि ये हिस्ट्री अपने सिलेबस में नहीं है तो वो ओरली एक बार सुन लो। इसके बाद में एंजाइम जो वर्ड है सबसे पहले वैज्ञानिक देने वाले थे वो थे विली कुहने, ठीक है, और जे बी समनर जो थे उन्होंने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम को क्या किया था, सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया, और समनर और नॉर्थरोप ने क्या किया कि उन्होंने ये बताया कि एंजाइम जो है वो केमिकली रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और इसलिए मतलब समनर नॉर्थरोप स्टैनले को
1947 में नोबल प्राइज से सम्मानित किया। ठीक बेटा, तो इस तरीके से फिर अगर बात कहें तो अप्रोटीन एंजाइम जो होते हैं उसकी खोज सर्वप्रथम शेक और अल्टमैन ने की थी, और उन्होंने उसको राइबोजाइम नाम दिया। ठीक है, अप्रोटीन एंजाइम जिसमें आरएनए के उत्प्रेरकीय अणु होते हैं। तो ये हिस्ट्री अपने सिलेबस में नहीं है, आप प्रस्तावना के अंदर आप ये डेफिनेशन बेटा एक याद रखोगे। फिर अपना दूसरा टॉपिक आता है एंजाइम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कार्य प्रणाली। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है, और जो है उत्प्रेरक की भांति जो है कार्य करते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, ध्यान देना, अगला अपना जो टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की संरचना। अब ध्यान देना बेटा, एंजाइम की संरचना की अपन बात करें ना, तो इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। देखो देखें, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। क्या कहा कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम तो क्या है, प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होते। इसके अंदर एक दो एक्सेप्शन है, ध्यान देना बेटा। एक जो एंजाइम है राइबोजाइम एंड राइबो न्यूक्लियस, ध्यान देना, राइबोजाइम एंड राइबो न्यूक्लियस, ये क्या है, आरएनए एंजाइम है। इनको क्या बोलते हैं, आरएनए एंजाइम। क्या मतलब हुआ, कैन कैटलाइज रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोटीन, कैन कैटलाइज रिएक्शन इन अब्सेंस ऑफ एनी प्रोटीन। कहने का मतलब, ध्यान देना बेटा, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, राइबोजाइम एवं राइबो न्यूक्लियस नामक एंजाइम आरएनए का बना या आरएनए के बने होते हैं। ओके, आरएनए के बने हुए होते हैं जो आरएनए स्प्लाइसिंग में सहयोग करते हैं। कहने का मतलब ये जो अप्रोटीन एंजाइम होता है, कहने का मतलब इसके अंदर प्रोटीन पार्ट नहीं होता, तो कहने का मतलब सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन जो है वो एंजाइम नहीं होते, इससे ये स्पष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये एक अप्रोटीन एंजाइम है, राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस। इसके अलावा ध्यान देना, एक मैं बात करूँ, जैसे पेप्सिन जो प्रोटीन के डाइजेशन में काम आते हैं, पेप्सिन है, एमाइलेज है, ठीक है, इसके बाद में यूरिएज,
एंजाइम मेड ओनली ऑफ प्रोटीन। समझ लो कहने का मतलब, ध्यान देना बेटा, इनके अंदर जो है पेप्सिन है और कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन यूरियज आदि, पूर्ण रूप से पेप्सिन यूरियज आदि पूर्ण रूप से प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे प्रोटीन पार्ट है और ये जो है वो अप्रोटीन पार्ट होते हैं। ओके बेटा, लेकिन अधिकांश जो एंजाइम है, मुख्य घटक प्रोटीन के साथ अन्य अप्रोटीन पदार्थ भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार एंजाइम जो है, ध्यान देना क्या कहलाता है। अब एक इसके अंदर ही एक शब्द आती है, जैसे ये अप्रोटीन पार्ट हो गया, ये टोटली जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब शब्द आता है होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम। मतलब जो प्रोटीन और अप्रोटीन भाग से बनता है उसको कहेंगे होलो एंजाइम। देखो देखें इसका जो है मीनिंग देख लो। अधिकांश एंजाइमों में, परिभाषा लिख रहा हूँ, अधिकांश, ये परिभाषा पूछते हैं बेटा, अधिकांश एंजाइमों में मुख्य घटक प्रोटीन के साथ अन्य अप्रोटीन पदार्थ भी पाए जाते हैं। समझ रहे हो, साथ अन्य अप्रोटीन पदार्थ भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, समझ रहे हो, उसको क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। तो इसका जो है इंग्लिश मीनिंग देख लो एक बार। देखो देखो बेटे, कहने का मतलब प्रोटीन के साथ साथ जो है अप्रोटीन पार्ट भी पाए जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एंजाइम, देखो देखें, इन मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स along with the main protein component, other non-protein substances are also found which are essential for the activeness essential for the activeness of the protein.
कहने का मतलब ध्यान देना, इन मोस्ट ऑफ द एंजाइम अलोंग विद मेन प्रोटीन कंपोनेंट एंड अदर नॉन, मतलब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब जिसके अंदर मिक्स होते हैं वो मिल करके होलो एंजाइम बनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ब्ले लिख लो होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, है ना, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ये आगे बताऊंगा प्रोटीन पार्ट कौन से होते हैं, प्रोटीन पार्ट कौन से होते हैं उससे जो है पूर्ण पूर्ण एंजाइम, प्रोटीन भाग प्लस अप्रोटीन। ठीक है, ये शब्दावली बेटा जो है टेक्निकल सिस्टम है, ये आपको पूछते हैं बेटा एग्जाम के अंदर, ध्यान देना। ठीक है, प्रोटीन पार्ट और अप्रोटीन पार्ट। अब देखो आगे, अब ध्यान देना बेटा, जो प्रोटीन पार्ट होता है अप्रोटीन पार्ट होता है उसका क्या क्या नाम है वो अपन करते हैं। देखो देखें, एक शब्द आता है एपो एंजाइम। देखो देखें, एपो 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 एंजाइम, ध्यान देना होलो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग, ये याद रखना बेटा डेफिनेशन, होलो एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग वाला भाग। ठीक है, होलो एंजाइम का जो प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है उसको ध्यान देना क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। देखो देखें, द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ, ध्यान देना, द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द होलो एंजाइम इज कॉल्ड एपो। ओके बेटा, ये हो गया। इसके बाद में अगला जो आता है वो है कोफैक्टर या सहकार, एक शब्द और है कोफैक्टर, कोफैक्टर या इसको कहेंगे सहकारक। ध्यान देना बेटा, सहकारक जो है अप्रोटीन वाला भाग सहकारक कहलाता है, होलो एंजाइम के अंदर जो अप्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, होलो एंजाइम का अप्रोटीन वाला भाग। ठीक है, द नॉन प्रोटीन, ध्यान देना, द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द होलो होलो एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सहकारक कह सकते हैं। अब कोफैक्टर को अपन फर्दर क्लासिफाई करते हैं तीन भागों के अंदर। कोफैक्टर इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। देखो देखें, कोफैक्टर इज डिवाइडेड इन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ध्यान देना बेटा, सहकारक को तीन प्रकार से, तीन प्रकार से विभेदित किया ठीक है। तीन अपन पढ़ेंगे, एक तो है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ध्यान देना, पहला है
प्रोस्टेटिक ग्रुप, फिर है मतलब इसको कहेंगे प्रो एस्थेटिक समूह, ठीक है। दूसरा ध्यान देना बेटा, को एंजाइम, सह एंजाइम जिसको कहेंगे, तीसरा है एक्टिवेटर, सक्रियक, ठीक है। तीन है प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके बाद में है कोफैक्टर, और फिर है एक्टिवेटर। अब सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर प्रोस्थेटिक समूह। फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर जिसको कहेंगे प्रोस्थेटिक समूह, ध्यान देना, प्रोस्थेटिक या कोएंजाइम, दे आर फर्मली अटैच्ड टू एपोएंजाइम, दे आर फर्मली मतलब मजबूती से फर्मली अटैच्ड टू एपो, कहने का मतलब ये जो है एपो एंजाइम से मजबूती से जुड़ते हैं, है ना। एपो एंजाइम से कहने का मतलब कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से सघनता से या दृढ़ता से, देखो देखें जब कार्बनिक प्रकृति का, ध्यान देना, जब कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग कार्बनिक प्रकृति का अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से सघनता से जुड़ता है, प्रोटीन अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से सघनता या दृढ़ता से जोड़ता है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक समूह या प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, इसके जो एग्जांपल है साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन, याद रखना बेटा ये काम आएंगे आगे, साइटोक्रोम और एक है फ्लेवोप्रोटीन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है को एंजाइम, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, दे आर लूजली और ट्रांजेंटली, कहने का मतलब आंशिक रूप से बाउंडेड एपो एंजाइम, दे आर लूजली, दे आर लूजली लूजली बाउंडेड बाउंड टू एपो एंजाइम, bound to apo एंजाइम, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या होते हैं, ध्यान देना बेटा, जब अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से ढीले या आसानी से पृथक होने योग्य, जब अप्रोटीन भाग, ध्यान देना बेटा, को एंजाइम दे आर लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम, जब अप्रोटीन भाग एपो एंजाइम से ढीले या आसानी से पृथक होने योग्य या संलग्न होने योग्य रूप से अनुबंधित होता है तो उसको कहेंगे को एंजाइम या सह एंजाइम। एग्जाम्पल NAD, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये ऊर्जाएं होती है और ये अपन जो है श्वसन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर इसको काम मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये ढीले रूप में और ये सघनता से जुड़ता है तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब प्रोस्टेटिक समूह और सहकार। इसका जो एक्टिवेटर वाला जो पार्ट है वो जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगा, तो आज अपन यहीं तक करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना,
ये दोनों जो अपन ने आज किए, ये दोनों जो है दोनों कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, और ये सहकारक या जो सक्रियक है वो अपन आगे नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। ठीक है बेटा, ये पढ़ना, और भी कोई डाउट है, समस्या है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 9460656610, उस पर कभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और होमवर्क के रूप में ये आप नोट डाउन करोगे। ये एक्टिवेटर वाला वो अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे, आज यहीं तक करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।